हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीडीएस के ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ संजय वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हैबिटेट। ओके, दैट इज द 9th चैप्टर ऑफ योर साइंस सब्जेक्ट। ओके, सो एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, जीवित प्राणियों के क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उन्हें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट there are following characteristics of living organism. Okay, these characteristics or properties prove that particular thing is living or non living. यही ये properties हैं जो ये बतलाती हैं कि सामने रखा हुआ वस्तु जीवित है या मृत है और नॉन लिविंग है। ओके, सो लेट्स बी सी द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नंबर वन, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। इन्हें क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, दे मूव, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव, ये क्या करते हैं, घूमते हैं, गत करते हैं, गमन करते हैं। दे रिस्पायरेट। ओके, दे एक्सक्रीट, दे एक्सक्रीट। इनमें क्या होता है बेटा, उत्सर्जन होता है। ओके, दे रिप्रोड्यूस। ओके, नेक्स्ट इज दे ग्रो, दे ग्रो। ओके, सो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हुज क्लियरिफाई दैट द ऑब्जेक्ट और एनिमल इज लिविंग और डेड। ओके, इन्हीं लक्षणों से हमें पता चलता है, इन्हीं करेक्टर, इन्हीं प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि सामने का वस्तु लिविंग है कि नॉन लिविंग। ओके, सो लेट्स बी सी वन बाय वन। नंबर वन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है।
Dear students, as you know that living organism has a requirement of food for their growth, for the energy, for the respiration. Overall, you can say that all the activities of all the body activities is done with the food, because food gives us energy. Okay? तो हमारे शरीर के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, बोलना, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, श्वसन करना, स्क्रीट करना, ये सब क्या होते हैं? भोजन की सहायता से होते हैं. क्यों? बिकॉज इट गिव्स एनर्जी. ये क्या देता है? ऊर्जा देता है. ओके, सो यू नो दैट द टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड एज डाइजेशन. भोजन ग्रहण करने की व्यवस्था क्या कहते हैं हम लोग? डाइजेशन कहते हैं. ओके, सो वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फॉर ऑल दी बॉडी एक्टिविटीज, शरीर की समस्त क्रियाकलापों के लिए. ओके, नेक्स्ट इज दे मूव. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन. जीवधारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, गमन करते हैं, चलते हैं. किस लिए? फॉर रिप्रोडक्शन, प्रजनन करने के लिए. ओके, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर शेल्टर रहने के लिए, फॉर सर्च ऑफ फूड, सर्च ऑफ फूड भोजन के तलाश में. ओके, एनिमल्स को भोजन पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है. भोजन कहीं रखा तो होता नहीं है एक स्थान पर, वहीं से ले लिया आराम से, है ना. सो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ शेल्टर, फूड एंड रिप्रोडक्शन. सो दिस इज द ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, नेक्स्ट इज दे रेस्पायरेट. ये क्या करते हैं? श्वसन करते हैं. ओके, दिस इज द वेरी स्पेशल एंड मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, that only living organism can respire it. Okay, you know that respire with the help of respiration the oxidation of food takes place, that emits large quantity of the heat to our body. Respiration के कारण हमारे शरीर का nutrients, जल के हमको ATP के रूप में energy देता है. आप देख सकते हैं ये अपना भोजन, अर्थात भोजन को जलने के लिए हमको क्या करना होता है? रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन क्या करते हैं हम लोग? श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं. ओके, ये आपका है रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन. और आपका भोजन जल के क्या बना लेता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या निकलता है? वाटर वेपर प्लस हीट. ओके, सो दिस इज आर रेस्पायरेशन. ग्लूकोज आपका फूड भोजन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है. ये क्या है बेटा? आपका ऑक्सीजन है. ओके, तो आपका भोजन ग्लूकोज जल के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और हमको क्या मिलती है? हीट एनर्जी वगैरह मिलती है, समझे ना. सो रेस्पायरेशन इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड नो दैट देर आर टू पार्ट ऑफ द रेस्पायरेशन. ओके, नंबर वन, रेस्पायरेशन के दो पार्ट होते हैं. नंबर वन इनहेलेशन, इनहेलेशन
inhalation, exhalation. ओके, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का अंदर जाना, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होना, प्रवेश करना इनहेलेशन कहलाता है, और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर आना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। ऑक्सीजन का अंदर जाना इनहेलेशन, और CO2 का बाहर आना एक्सहेलेशन कहलाता है। ओके, वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन इक्वल टू रेस्पिरेशन। ओके, when one inhalation and one exhalation takes place, this is called as respiration. Understood? Okay. Next is they excrete. इनमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। Detergents, the removal of waste material, that is fecal material, such as fecal material, मल, स्वीट, पसीना, यूरिन, ओके, पेशाब, दी आर द फीकल मटेरियल। सो द एक्सक्रीशन ऑफ फीकल मटेरियल और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एनिमल बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, एंड ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, तो हमारे बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, और जो अंग उत्सर्जन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ओके, तो बेटा क्या होता है, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, वेस्ट मटेरियल का शरीर से निकलना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। उत्सर्जन और अंग क्या कहलाते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिन अंगों से एक्सक्रीशन होता है। ओके, फॉर एग्जांपल किडनी, ओके, आवर स्किन, दे आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट इज दे रिप्रोड्यूस। ओके, डिटर्जेंट्स, रिप्रोडक्शन इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल दैट हेल्प्स इन इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो प्रजनन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल। इन दिस प्रॉपर्टी एन एनिमल, दैट इज एडल्ट एनिमल, रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस देयर आइडेंटिकल एंगवन। इस प्रक्रिया में एडल्ट एनिमल प्रजनन करके अपने जैसे संतान पैदा करते हैं। ओके, सो आप कह सकते हैं संतानोत्पत्ति के लिए प्रजनन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। ओके, सो रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, किसी एक निश्चित प्रजाति में जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रजनन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट इज दे ग्रो। यू नो दैट All living organism show growth. Okay? So growth, वृद्धि, में क्या होता है, वृद्धि होती है। छोटा सा बच्चा बड़ा होके और लास्ट में एडल्ट हो जाता है। मीन्स आपने प्रायः देखा होगा एक छोटा सा प्लांट स्लोली स्लोली ग्रो होके बड़ा सा ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट
satisfy us that the given things are living or non-living. ओके यही वो प्रॉपर्टीज हैं जो क्लियर करते हैं कि सामने रखा हुआ वस्तु लिविंग है कि नॉन लिविंग, एनिमल जीवित है कि मृत है. सो आई होप दैट ऑल ऑफ अंडरस्टूड अबाउट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स. एनिमल के रहन सहन के बारे में आपको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.